पहले मोमोज का डो बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ हल्के गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। डो अब हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हम मोमोज की फिलिंग की तैयारी करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए बारीक कटा बंदा गोभी यानी पत्ता गोभी। इसी में हम बारीक कटा गाजर डालेंगे। ये मैंने ग्रेट करके रखा है। बारीक कटा प्याज, बारीक कटी हरी शिमला मिर्च, अब हम एक कलछी लेंगे और उसे गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ाएंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर डालेंगे और इसे बस हमें बटर को पिघलाना है। इसमें बटर को ज्यादा गर्म नहीं करना है। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे, बटर इसमें अपने आप घुल जाएगा। बटर अब घुल गया है। अब हम इसमें बारीक कटा लहसुन डालेंगे। और इसी में बारीक कटा अदरक। और हम इसे इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इस मिक्सचर को इसमें डालेंगे। इसी में बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा धनिया पत्ता, वन टेबल स्पून मेयोनीज, वेज मेयोनीज, वन टेबल स्पून चीज स्प्रेड, बारीक कटा पनीर, अब हम इसी में 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसी में 1 टीस्पून पिसी हुई गोल काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। अब हम इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, सोया सॉस में भी नमक होता है इसलिए हम नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। इसी में ग्रेट किया हुआ चीज। अब हम इन सबको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। मोमोज की फिलिंग सब तैयार है, तो आइए अब हम मोमोज बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम डो की छोटी छोटी लोई बनाएंगे। इस तरह हल्का सा इस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसे पतला बेल लेंगे। अब हम इसमें मोमोज की फिलिंग्स डालेंगे। अब हम इसे एक साइड से इस तरह यहाँ पर दबाएंगे, फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह एक चून इस पर फिर ऐसे इसी तरह चून बनाकर इसमें बैठाते जाएंगे। और इसे हम इस तरह से हल्का मोड़ देंगे। इसी तरह हम सारे मोमोज को तैयार कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें पानी स्टीम होने के लिए रखेंगे।
अब हम जिस स्टैंड में मोमोज को रखेंगे या फिर नेट में, उसे हम वेजिटेबल ऑयल से हल्का ग्रीस कर लेंगे, इससे वो इसमें चिपकेगा नहीं। पानी अब स्टीम हो चुका है, अब हम इसमें नेट या स्टैंड को डालेंगे। अब हम मोमोज को नेट के ऊपर रखेंगे। मोमोज को आप जो शेप चाहें वो दे सकते हैं। अब हम मोमोज को ढककर 10 मिनट तक स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं, मोमोज अब तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मोमोज को निकाल लेंगे। मोमोज अब तैयार हो चुके हैं, अब हम मैंचूरियन सॉस की तैयारी करेंगे। उसके लिए मैंने मैंचूरियन पाउडर को पानी में घोल के रखा है। आप इसे बनाने से पहले कम से कम 10 से 15 मिनट पहले पानी में घोल के रख लें। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसका कलर थोड़ा डार्क होता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिलाऊंगी और उसे इसमें इसके साथ मिक्स कर देंगे। देखिए इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया। अब हम एक पैन लेंगे, पैन गर्म हो चुका है। अब हम उसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल अब गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे। बारीक कटा लहसुन और बारीक कटा अदरक। अब हम इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटा प्याज डालेंगे। अब हम इसी में बारीक कटी शिमला मिर्च डालेंगे, इसे भी हल्का सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा टमाटर डालेंगे। एक से दो मिनट हम इसे पकने देंगे। अब ये पक चुका है, अब हम इसमें मैंचूरियन पाउडर का मिक्सचर डालेंगे। और इसे चलाते रहिए, नहीं तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक पकने देंगे, तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। मैंचूरियन पाउडर में पहले से नमक होता है, इसलिए हम इसमें नमक पहले नहीं डालेंगे। आप इसे टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसमें नमक डालिए। ये देखिए सॉस अब हमारा गाढ़ा हो रहा है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डालेंगे। ये एडिशनल है, आपके स्वाद के अनुसार है। और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। सॉस अब हमारा तैयार है, अब हम इसमें मोमोज को डालेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट तक इसी में रहने देंगे। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा धनिया पत्ता। मोमोज मैंचूरियन अब तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो लीजिए मोमोज मैंचूरियन रेडी है। अब आप भी मोमोज और मैंचूरियन की इस नई जुगलबंदी को जरूर ट्राई कीजिए। और भी मोर इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए इसी तरह पोषण एंड क्राफ्ट के साथ बने रहें। और पोषण एंड क्राफ्ट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।